हालेलुया। योहन 14:15 में बाइबल लीजिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है बाइबल खरीद लीजिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक बाइबल के बिना नहीं बैठना है, बोले आमीन। आपके पास अगर पढ़ना नहीं आता तब भी बाइबल होना चाहिए। शैतान को तो बाइबल आता है ना, इसलिए आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए। पढ़ना आते नहीं आते, पढ़ना प्रभु सिखाएगा, बोलिए हालेलुया हालेलुया। मान लो कुत्ता आ रहा है सड़क में, कौन आ रहा है? हाँ, और आपके हाथ में एक डंडा है, लकड़ी है। कुत्ता शायद आपसे नहीं डरेगा, लेकिन आपके हाथ में डंडा से डरते हैं, है कि नहीं? कुत्ता को इतना तो अक्ल है। तो इसी तरह क्या है, आपके हाथ में बाइबल है, शायद आप पढ़ने वाला हो ना हो, शैतान को पता है अरे इसके हाथ में हथियार तो है, डरना तो पड़ेगा। इसलिए हाथ में बाइबल के बिना कोई भी इस हॉल में नहीं होना चाहिए, बोलिए आमीन। और आपके जीवन में बाइबल नहीं तो क्या है यार, क्या बताओ, हैं? बाइबल के बिना कोई ज़िंदगी है ही नहीं। इसलिए आपके पास बाइबल होना अनिवार्य है, बोले हालेलुया। और बाइबल हाथ में रख के धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, आप पढ़ना भी शुरू करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा, लेकिन बाइबल धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पूरा हिंदी पढ़ना सीखा है। तो इसलिए तो क्या है, बाइबल ऐसा चमत्कार करने वाला किताब है, ये आपके हाथ में होना चाहिए। इसमें जीवन है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, अरे बोलो ज़ोर से, इसलिए इसके बगैर जीवन है क्या? नहीं। इसलिए आपके हाथ में होना ज़रूरी है। आप मरा हुआ पड़ा है, हैं? इसलिए आपके हाथ में क्या होना चाहिए, जीवन, यानी जीवन की पुस्तक बाइबल, बोलिए आमीन हल्लेलुया। योहन 14:15 में क्या लिखा है, यदि तुम मुझे, मेरे पीछे बोलो, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। दाहिने हाथ ऊपर करके बोलेंगे, जब भी वचन बोलेगा दाहिने हाथ ऊपर करके बोले और जोर से बोलिए, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हाँ, वचन सीखने के लिए 5 बात है, कल मैंने बताया नहीं बताया, वचन सीखना। अब वचन सीखना चाहते हो नहीं चाहते हैं? बहुत सारे लोगों को बाइबल में बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन कहाँ क्या लिखा है कोई अता पता नहीं। तो इसलिए सीखना चाहते हैं तो आपको मैं तरीका बताऊंगा। सीखना चाहते हो तो पहली बात है ज़ोर से बोलना। क्या करना है, पहले ज़ोर से बोलो ना। हाँ, बाइबल सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात है विश्वास करना, वचन पर विश्वास करना, वचन पर। हाँ, पहले जोर से बोलना, दूसरा वचन पर विश्वास करना, तीसरा वचन को बांटना है। क्या है, टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को बांटना है। और चौथा है वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। क्या है चौथा, क्या है, वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना। और पांचवा है गा गा कर सीखना है। क्या है, कैसे? हाँ, मेरे दोस्त है फादर बॉबी, हम लोग एक ही बाज का है, तो फादर जी ने ही की मतलब बाइबल को क्या है इस प्रकार गा गा के सीखना शुरू किया। हमने भी उससे थोड़ा खुशबू हमको भी लग गया, हम भी वचन गाना शुरू किया, बोले हालेलुया हालेलुया। ये जो आवाज़ गा गए भाई, हालेलुया हालेलुया। तो वचन को जोर से बोलना है, वचन पर विश्वास करना, वचन को बांटना है, वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, वचन को गा गा कर सीखना है। इसलिए इस वचन को हम इस वक्त सीखेंगे, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जोर से, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और जोर से, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी
रहूंगा पालन कर। कहाँ लिखा है? योहन 14:15। जोर से बोलो। हाँ, इसमें क्या लिखा है? हाँ, प्यार करोगे तो आज्ञा होगा। ये तो बहुत सिंपल है। ओबीडियंस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ लव। मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे गेहूँ निकालते हैं ना, भूसा भी साथ साथ मिलते हैं। इसी तरह क्या है, अगर प्यार करोगे आज्ञा पालन भी साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। हम डर के मारे किसी की बात कुछ समय के लिए मान सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए आज्ञा का पालन करने के लिए हमारे अंदर प्यार होना बहुत ज़रूरी है। बोलिए आमीन। कितने भी कठिन बात हो, अगर आप किसी को प्यार करते हैं उसके लिए आप जरूर करेंगे। अगर प्यार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो युवा पीढ़ी बैठे हैं तो ये बात आप ज़्यादा से समझते होंगे। अगर किसी को प्यार हो गया, किसी के साथ प्यार हो गया, चाहे कुछ भी करना, कहीं भागना, कहीं जाना, कुछ उठना बैठना, कुछ भी करना आप कर लेंगे। करते नहीं करते हैं? माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, यार तू मेरे साथ चलना, चलते हैं। मेरे साथ भागना, तो भागते हैं। हैं तो कहीं भी बोलते हैं, मतलब तारों को तोड़ के देते हैं, मतलब क्या क्या डायलॉग बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे डायलॉग बोलने वाले बैठे इधर। बोले हालेलुया। कुछ भी करेगा, जान भी देगा, है ना, जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले हालेलुया। एक बार मैंने चर्च में पूछा, कितने लोग मसीह के लिए जान देने तैयार हैं? सारे कोयर के बंदे हैं ना, हाथ उठाए। तो मैं तो हारना नहीं चाहिए ना, मैंने दूसरा सवाल पूछा, कितने लोग टाइम पर आने के लिए तैयार है मिसा के लिए? जान देने के लिए सभी तैयार है, लेकिन मिसा के लिए टाइमर आने के लिए हाथ नीचे। बोले हालेलुया। 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 तो इसलिए क्या है, आज्ञाएं, आज्ञा पालन हमें करना, इसलिए क्योंकि हमें ईश्वर प्यार करते हैं, ईश्वर के साथ हमारा प्यार है, इसलिए हम उसकी बातों को मानने के लिए तैयार होते हैं। याद रखिएगा, कोई डर के मारे नहीं करते। हमने अभी सवेरे देखा है पहला 4 आज्ञाओं के बारे, अभी हम बाकी कितना रह गया, हाँ अभी 5वां आज्ञा क्या है, 5वां नियम क्या है, व्हाट इज द 5th कमांडमेंट, क्या है, हैं, 5th कमांडमेंट कौन सा है? कौन बोल रहे इधर, जोर से बोलो। अच्छा, माता पिता का आदर करना, ये 5वां नियम है। अच्छा, सुन लीजिए, शांत, चाहे अमेरिका में हो, इंडिया में हो, कश्मीर में हो, मुंबई में हो, गुजरात में हो, बंगाल में हो, 5वां आज्ञा ही है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हैं, केरला में आते ही 5वां आज्ञा 4th बन गया। ये तो गलत है। मनुष्य की हत्या नहीं करना, यही है 5वां आज्ञा, डू नॉट किल, 5वां आज्ञा यही है। तो इससे पहले, आज्ञाओं में जाने से पहले एक और सवाल करना चाहूँगा, ध्यान से बैठना क्योंकि बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूँ। बोले हालेलुया। गाड़ी चलाते होंगे? गाड़ी चलाते हैं? हाँ, गाड़ी में बैठे होंगे, सफ़र करते होंगे, गाड़ी में ब्रेक की क्या ज़रूरत है बताइए? गाड़ी में ब्रेक की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रेक? एक जन इधर से कोई बोलो, कोई हिम्मत वाला बंदा बोलो यार, गाड़ी को रोकने के लिए। बहनों में से कोई गाड़ी चलाने वाले, ब्रेक की क्या जरूरत है? हाँ, ब्रेक नहीं चाहिए? हाँ, तो काय के लिए चाहिए? हैं, गाड़ी को रोकना। अच्छा, आप लोग गलत है। गाड़ी में ब्रेक के इसलिए ज़रूरत है क्योंकि गाड़ी को स्पीड में चलाने के लिए, गाड़ी को स्पीड में चलाने के लिए ब्रेक की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आपका ब्रेक सही नहीं है, आप गाड़ी तेज चला सकते हैं क्या?
नहीं, जिसका ब्रेक अच्छा है फिर कैसा भी भगा सकते हैं, अगर ब्रेक सही नहीं है आप स्पीड नहीं पकड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कितनी भी तेज से भी चलाना है, अगर आपको मालूम है गाड़ी रुकेगी तब तो आप चलाएंगे, अगर ब्रेक कम है तो हम धीरे धीरे चलाएंगे। अरे ब्रेक थोड़ा कमजोर है यार, ये मिलेगा नहीं पकड़ में। इसीलिए क्या है, अक्सर हम लोग सोचते हैं नियमों का हमारे जीवन में हमको रोकने के लिए, हमारे फ्रीडम को कष्ट करने के लिए, हमें दुखी करने के लिए, हमारे फ्रीडम को मतलब दूर करने के लिए नियम को लगा रखा है। नहीं, नियमों का खास करके ईश्वर ने जो नियम जो दिया है वो हमें एक और बेहतर संतान, ईश्वर की संतान बनाने के लिए हमें नियम दिया गया है। बोलिए आमीन, दिल से बोलिए आमीन। ईश्वर आपको नियम नहीं दिया कि आपको रोके, आपको तकलीफ दे, आपको परेशान करें, बल्कि आपको और भी ईश्वर के अच्छे से संतान बनाने के लिए आपको नियम दिया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम लोग अक्सर सोचते हैं हमारे माता पिता हो, हमारे बड़े लोग हो, हम लोगों को बहुत सारे नियम देते हैं जिसके कारण हम लोग दुखी है। अगर कोई नियम नहीं होते कितना अच्छा होता, और कोई नए नियम नहीं होते तो क्या कन्फ्यूजन होता यार, बताइए। इसलिए नियम को होना बहुत ज़रूरी है, अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको तरीके से आगे बढ़ना हो। नहीं तो क्या है, एक जंक्शन में कोई लाइट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है तो क्या हंगामा होगा। क्या हम देखते हैं ना रोज दो मिनट के लिए क्या बोलते हैं ट्रैफिक का लाइट बंद हो जाते हैं, लोग इधर से भी आ गए, उधर से भी आ गए, इधर से भी आ गया, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। ट्रैफिक में घुसते हैं ना, मैं गाजियाबाद में रह चुका हूँ, दिल्ली रह चुका हूँ, मतलब कई शहरों में रह चुका हूँ, बाप रे बाप, पूछो मत। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हमें नियमों की ज़रूरत है। इसलिए अगले पांचवा, छठा और नौवा नियम साथ साथ हम देखने जा रहे हैं। पांचवा नियम है मनुष्य की हत्या नहीं करना। छठा नियम क्या है, व्यभिचार नहीं करना। और नौवा क्या है, हाँ चोरी नहीं करना। देखा, सात और आठ मैंने बोला ही नहीं, मैं सीधा नौवे में पहुंच गया। अब पहले कैटेकिज्म सिखाना पड़ेगा बच्चों को, ऐसा लग रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाथ ऊपर, आवाज ऊपर, हालेलुया। पराई स्त्री का कामना नहीं करना। डू नॉट कवेट योर नेबर्स वाइफ, यही है नौवा नियम। और सातवां क्या है, चोरी। हाँ तो आठवां क्या होगा, झूठी गवाही नहीं देना। फिर दसवां क्या है, पराए धन का लालच नहीं करना। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो ईश्वर ने ये नियमों को दिया है, पहले चार को हमने अभी देखा है। अभी हमारे जीवन के रोजाना जीवन में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। मनुष्य की हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पराय स्त्री का कामना नहीं करना, ये तीनों नियमों को हम तोड़ते हैं एक पाप के द्वारा। एक पाप ये तीनों आज्ञाओं को तोड़ता है, वो कौन सा पाप है, वासना का पाप, द सिन ऑफ लस्ट। जो वासना है, वासना का पाप इन तीन आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। राजा दाऊद के जीवन में देखो, राजा दाऊद आलसीपन का पाप किया, आलसीपन के पाप के उसके अंदर व्यभिचार की बात आए, व्यभिचार करते करते आगे बढ़कर उसने उस औरत के आत्मी को भी मरवा डाला, यानी व्यभिचार किया, हत्या किया और पराय स्त्री का कामना किया। ये तीनों पाप उसने एक साथ किया क्योंकि वासना उसके अंदर आ गया, वासना उसके अंदर आ गया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य की हत्या नहीं करना, यानी निर्गमन ग्रंथ, बुक ऑफ एक्सोडस, बाइबल का दूसरा ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 13 और विधि विवरण 5:17 में लिखा है, विधि विवरण का 5:17 में लिखा है, हत्या मत करो, हत्या मत करो। और प्रभु का वचन संत मत्ती का अध्याय 5:21 में और 22 में लिखा है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है
हत्या मत करो, यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। बोले हल्लेलुया। अभिषिक्त है वह जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है। बहुत सारे वचन हैं प्रभु हमको समझाते हैं हत्या के बारे। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं होता। एक योहन अध्याय 3:15 में लिखा है। इतना तक नहीं, हाँ तलवार से बंदूक से किसी की हत्या करने की बात नहीं, इतना तक आप किसी से घृणा करोगे, आप किसी को नफरत करोगे, आप हत्यारा है प्रभु का वचन कहता है। बोले हालेलुया। यानी गुस्सा क्रोध में रहना, नफरत करोगे किसी से, कोई रिश्ता ही नहीं, कोई लेने देने नहीं, कोई बातचीत नहीं, आपके लिए वो मरा हुआ है। फादर मैं उसके घर नहीं जाता हूँ, उससे कोई बात नहीं करता हूँ, वो व्यक्ति मेरे लिए मरा हुआ जैसा होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर आप किसी को नफरत करोगे तो आप उसका हत्यारा है, क्योंकि हत्यारे के अंदर क्या है, आनंद जीवन नहीं होता। बोलिए आमीन। हल्लेलुया। दिल से बोले हल्लेलुया। हाँ तो किसी की हत्या करना, स्वयं अपने आप को ख़त्म करना, आत्महत्या के लिए सोचते हैं, और बच्चों को पेट में ख़त्म करना, ये सब बहुत बड़ा बड़ा पाप है, क्योंकि जीवन का स्वामी केवल ईश्वर है। जीवन का मालिक कौन है? आपको किसने जीवन दिया है? तो जीवन लेने के लिए अधिकार कैसे दिया बताओ? मान लो आपने कुत्ते का पैर को तोड़ा पत्थर मार के, क्या कर दिया? कभी कभी करते हैं ना, घुमा घुमा के मारा और कुत्ता बेचारे का पैर तोड़ दिया, आप क्या करोगे? आप जोड़ सकते क्या बताओ? फिर तोड़ा क्यों? हाँ बहुत सारे लोग ऐसा काम करता है। हम लोग जो ऐसा काम करता है जो हमें क्या बोलते हैं, जोड़ नहीं सकता है, अनेकों को हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। हम किसी के साथ भी बुराई कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, एक बच्चे का अपन पेट में ही ख़त्म कर लेते हैं। आजकल तो ये सब फैशन हो गया, शादी से पहले भी किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं और बच्चे को ख़त्म कर लेते हैं। शादीशुदा का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और सोचता है ये सब बहुत सिंपल है। एक बार मेरे पास एक पति पत्नी आए दो बच्चों के साथ, वो मेरे पास आके रोने लग गया। कारण क्या है? मैंने पूछा क्यों रो रहे भाई? उन्होंने कहा फादर हमारे दो बच्चे थे, एक और बच्चा पेट में था, हमने उसका अबॉर्ट कर दिया, क्योंकि पति तो सरकार का नौकरी करते हैं, पत्नी तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। पता नहीं कौन सा जगह मैं बताऊंगा नहीं, बताते ही कि गवर्नमेंट में क्या है, ऐसा पॉलिसी है दो बच्चे हो सकते, दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी, और गवर्नमेंट नौकरी को बचाने के चक्कर में तीसरे बच्चे को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अभी बैठकर रो रहे हैं। उनके पहला बच्चा, दोनों लड़के हैं, पहला बेटा का कम से कम 6 साल का होगा, दूसरा 4 साल का होगा। मैंने उनसे पूछा अभी सरकार ऐसा पॉलिसी निकालते हैं कि एक ही बच्चा हो सकता है, आप इनमें से किसको मारोगे? अभी सरकार बता रहे कि एक ही बच्चा हो सकता है, आप इनमें से किसको मारोगे? और रोने लगी औरत। मैंने कहा जिसका शक्ल देखा उसको मारने के लिए आपको दिक्कत होते हैं, जिसका शक्ल नहीं देखा उसको मारने के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, चाहे 1 महीने का हो 1 दिन का हो, बच्चा बच्चा ही है, ईश्वर की आत्मा उसके अंदर है, ईश्वर उसको जन्म देने के लिए सोचा है, आप नहीं। अनेक लोग अब शादी के कई साल के बाद भी बच्चे के बिना घूमते हैं, बच्चा निस्संतान दंपति लोग हैं बहुत सारे। यानी इंसान एक साथ होने से, एक पति और पत्नी एक साथ होने से ये ज़रूरी नहीं कि उनका बच्चा हो। ईश्वर देता है जीवन। बोले हल्लेलुया। हल्लेलुया।
तो प्यारे बच्चों याद रखना, जीवन का एकमात्र मालिक है वो ईश्वर है। ना तो आपका कोई अधिकार है, ना तो किसी और का अधिकार है, ना किसी का जीवन लेने का, ना तो अपना जीवन ख़त्म करने का, ना तो कोई बच्चे का जीवन को ख़त्म करने का आपका कोई हक नहीं है। केवल ईश्वर जीवन दाता है। बोलिए हालेलुया। और जीवन और मृत्यु का मालिक वही है। बोलिए आमीन। हालेलुया। कुछ लोग तो सोचता है कि मैं अपने जीवन को ख़त्म करूं, मैं अपने जीवन का मालिक है, वो घमंड का पाप है। आपको पूछकर आपको जन्म दिया क्या ईश्वर ने? सलाह लिया क्या मैं आपको लड़का बनाऊं, लड़की बनाऊं, हैं इतना ओछा बनाऊं, इतना नाटा बनाऊं, पूछा ही क्या? अरे बताओ ना, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? फादर क्या हो गया, मेरा हाइट नहीं है। हाँ तो बड़ा कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या करें बताओ? मैं आपको बताऊं, किसी भी कारण, चाहे आपके कितना भी बड़ा तकलीफ क्यों ना हो, कितने बड़े परेशानी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेइज्जती हो, कितना बड़ा अपमान हो, यानी आपको अभी जीने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं है, आपको मरना ही है, लेकिन आपका हक नहीं है। आपको मतलब आपको पूछकर ईश्वर ने थोड़ी जन्म दिया, इसलिए आपको अपना जीवन को ख़त्म करने का कोई हक नहीं है। बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। उपदेश का ग्रंथ उसका अध्याय 8 प्रसंग 8 में लिखा है, किसी को अपने प्राण के ऊपर अधिकार नहीं है। किसी को भी अपने प्राण के ऊपर अधिकार नहीं है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जीवन यीशु है, जीवन यीशु है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जीवन के विरुद्ध सोचना, जिंदगी के विरुद्ध सोचना यीशु के विरुद्ध सोचने के बराबर है। इसलिए जो भी ऐसा काम करता है वो हत्यारा का काम करता है। ईश्वर के विरुद्ध सोचता है जो जीवन के विरुद्ध सोचता है, इसलिए कभी ऐसा कभी नहीं सोचना है। इसलिए जैसे बच्चा नहीं चाहिए सोचना, ये भी उतना बड़ा पाप है जैसे बच्चे को ख़त्म करने के जैसे। बोले हल्लेलुया। हम लोग तो शादी का फॉर्म भरते हैं, मैं पल्ली पुरोहित हूँ, तो कोई मतलब शादी से पहले प्री न्यूप्शियल इंक्वायरी बोलते हैं, विवाह से पहले पूछताछ, तो उसमें से एक सवाल होता है, आप इस विवाह को जोड़ने में आपका कोई शर्त है क्या? शर्त का मतलब कोई डवरी देने की बात है, बच्चा नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कुछ सालों के लिए हमें बच्चा नहीं चाहिए, ये भी कहना बहुत बड़ा पाप है। अगर आपने ऐसा कोई, पिछले बार मेरे पास आया एक दो जन आया, हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए करके, मैंने कहा फिर आपका शादी नहीं हो सकता है। आपको बच्चा नहीं चाहिए तो क्या फादर सिस्टर बन सकते हैं? अगर शादी करना है तो फिर कहे बच्चा चाहिए। बोले हालेलुया। पूरा अपने पर्पस को ही तोड़ा, गड़बड़ कर दिया भाई। द पर्पस ऑफ मैरिज एज पर द CCC कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च, कैथलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा के अनुसार, बच्चों को जन्म देना और एक दूसरों के द्वारा दूसरों को क्या है पवित्रीकरण के लिए शादी जोड़ता है। टू सैंक्टिफिकेशन ऑफ अदर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, दीज आर द पर्पस ऑफ मैरिज। मैरिज का पर्पस ही यही है। अगर आप इसके विरुद्ध है फिर आप जीवन के विरुद्ध है। बोले हालेलुया। इसलिए ये सब बातें, हत्या नहीं करना, इस आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, इन बातों को याद रखिएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। और पोइजन, जैसे जो भी है पोइजन का मतलब, जैसे दारू हो, नशे की चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार के नशीली चीज़ें, उसमें सब में लिख रखा है ये सब खाना पीना से आपको सेहत के लिए हानिकारक है। लिखे रखते हैं ना? नहीं लिखे रखते हैं? हाँ फादर जी हमने कुछ देखा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, बड़े उस्ताद लोग बैठे हैं, मेरे को मालूम है। हाँ बोले हल्लेलुया। कई प्रकार के नशे, कई प्रकार के दारू शराब, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं और अपने जीवन को धीरे 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 ख़त्म करते हैं, वो भी हत्या का बराबर पाप है। बोले हल्लेलुया। एक बार मैं जयपुर में एक प्रोग्राम चला रहा था 2012 में, मैं इसलिए तो बता रहा हूँ उस जगह का नाम क्योंकि उस भाई का नाम बोलने से भी दिक्कत नहीं।
आराधना का तीसरा दिन आराधना चल रहा था, तो मैंने एक चीज़ उनको आराधना के बीच में बोले, एक हाथ में शराब का बोतल ले लो, एक हाथ में यीशु का लहू, आप इनमें से कौन सा बोतल नीचे गड्ढे में फेंकना चाहोगे, यीशु को या शराब को? एक भाई तो रोता रहा रोता रहा रोता रहा, आराधना के बाद भी और रोता रहा। अब करीब 7 वर्ष हो गया है और शराब का बोतल को हाथ भी नहीं लगाया है। बोले हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। आपको और मुझको मालूम होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं। जब हम पाप करते हैं हम उस प्रभु को ही दुखी करता है, प्रभु को ही फेंक देते हैं गड्ढों में। जब इसलिए हत्या का जो पाप, हम लोग सोचते हैं मैंने किसी का हत्या नहीं किया, लेकिन आपने नशा किया, आपने हत्या करने का वो जो 5वां नियम को तोड़ा है। बोले हालेलुया। अपने आप की हत्या कर रहे हैं, किसी और को लेकर दिया वो भी है, दूसरों को मारने का बराबर काम कर रहे हैं। धीरे 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 वही हो रहा। बोले हल्लेलुया। तो इसलिए इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं ये सब लोग करते हैं, ये सब नॉर्मल है, लेकिन ईश्वर के नियम के अनुसार नहीं है। अनेक लोग, मैं तो दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर में रह चुका हूँ, दिल्ली में तो सीट बेल्ट पहन के हेलमेट पहन के बहुत अच्छे से बंदे रेड लाइट जंप नहीं करता है, बहुत अच्छा से चलता है, क्योंकि पुलिस है चारों तरफ। जैसे गाजियाबाद पहुँचता है सीट बेल्ट भी निकाल दिया, हेलमेट भी उतार के हैंडल में लटकाया। अब गिरेगा तो क्या होगा, हैंडल बच जाएगा, सर फट जाएगा। कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, और पुलिस को देके हेलमेट लेके रख लेते हैं, देखा है आपके इलाके में करते हैं फादर जी हम लोग। बोले हल्लेलुया। अरे नियमों को क्या, हेलमेट पहनते काय के लिए, पुलिस के लिए, सीट बेल्ट पहनते पुलिस के लिए। कुछ लोग ऐसा सोच रखा है पुलिस से बचने के लिए सब चाहिए, अरे तुम्हारे सिर के लिए, ये ना ये सिर कोबड़ी, इसको बचाने के लिए। कोई गाड़ी का टक्कर हो गया, आपकी रक्षा हो जाएंगे, इसलिए प्रभु का वचन आपकी रक्षा करेगा। बोलिए हल्लेलुया।